हेलो चिल्ड्रेन। तो आज का जो लेक्चर होगा वो बेस्ड होगा नीट एग्जाम 2020 पे बेस्ड। ये वीडियो वही स्टूडेंट देखे जो 11th क्लास का टोटल फिजिक्स पढ़ चुके हो या 12th का एग्जाम दे चुके हो, नहीं तो 12th पास कर चुके हो। जो 11th मूविंग स्टूडेंट है उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो बिना टाइम लिए हुए हम शुरू करते हैं। जो एग्जाम है मेरा नीट 2020 और नीट हो या एम्स का एग्जाम हो, एम्स या कोई भी ए आई पी एम टी का जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, सारे क्वेश्चंस जो होते हैं देख, इसका जो क्वेश्चंस होगा, क्वेश्चंस जो होता है इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होता है। इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है। अगर आपको सारा इंफॉर्मेशन पता है, इफ यू वांट ऑल इंफॉर्मेशन, सारे इंफॉर्मेशन आपको पता है, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स 95% क्वेश्चन इंफॉर्मेशन बेस्ड ही होते हैं, ठीक है। और बच्चे इधर उधर भटकते रहते हैं, तो आज हम बता रहे हैं जो मोशन इन वन डायमेंशन का क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको रहना चाहिए, जो कि क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सके। इसमें ज़्यादा थ्योरी प्रूफ नहीं करेंगे, क्वेश्चन बेस्ड पढ़ाऊंगा, आप लोग ध्यान देंगे। और जो इस क्वेश्चन और वीडियो के लास्ट में डीपीपी दे देंगे और उसको सॉल्व करेंगे घर पे। और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको आप फिर से पूछेंगे, उसको हम बताऊंगा, और फिर भी उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ रहेगा। जो क्वेश्चन होगा डीपीपी में वो टोटल का सॉल्यूशन भी दिया हुआ रहेगा। तो हम शुरू करते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस होते हैं पहले ही बता दिया, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और उस चैप्टर का सारा इंफॉर्मेशन मालूम होना चाहिए। हम शुरू करते हैं मोशन इन वन डायमेंशन का। छोटी छोटी सी बात है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है मेरा स्पीड, जो पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, जिसका फॉर्मूला क्या चलेगा, डिस्टेंस बाय टाइम चलेगा फॉर्मूला, जिसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा। अगर यहीं पे इसी को हम निकालते हैं एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, और इसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड ही होगा। अगर हम यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो ये चलेगा मेरा ds बाय dt, और इसका भी यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होगा। और ये दोनों जो स्पीड होता है, स्पीड और एवरेज स्पीड, ये मेरा होगा स्केलर क्वांटिटी, बट इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है मेरा वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। स्पीड के मेरे पास इतना ही इंफॉर्मेशन है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा वेलोसिटी का इंफॉर्मेशन देते हैं आपको। वेलोसिटी का जो चलेगा मेरा फॉर्मूला, डिफिनेशन नहीं बता रहा हूं, मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा, क्लियर है। अगर हम एवरेज वेलोसिटी का देखें, इस तरह से डिनोट करते हैं, इसको हम पढ़ते हैं एवरेज वेलोसिटी, ये होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। अगर हम यहां देखें, इफ डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्स ड्यूरिंग टाइम डेल्टा टी, देन वेलोसिटी इज ऑल्सो रिटेन एज डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, इसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड ही होगा। अगर यहां पे लगा दें, इफ लिमिट लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, देन वेलोसिटी जो हो जाएगा मेरा ds बाय dt हो जाएगा, और इस वेलोसिटी का नाम होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्लियर है यहां तक। अब इस इंफॉर्मेशन पे बेस्ड अगर हम एक दो क्वेश्चन दें आपको, अगर इसी इंफॉर्मेशन पे बेस्ड एक दो ठो क्वेश्चन देते हैं, जो क्वेश्चन लाए हुए हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं,
क्वेश्चन दिया हुआ है, द डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय पार्टिकल इन टाइम टी इज गिवेन बाय, टी टाइम में कोई भी पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्स करता है, जो डिस्टेंस का इक्वेशन दिया हुआ है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड नंबर ए में कह रहा है निकालने के लिए एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल, एवरेज स्पीड बताइए पार्टिकल का, एवरेज स्पीड ड्यूरिंग टाइम 0 सेकेंड से लेकर के 5 सेकेंड के बीच में क्या होगा। और नंबर बी में कह रहा है निकालने के लिए इंस्टेंटेनियस स्पीड, कैसा स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालिए इस पार्टिकल का कब, व्हेन टी इक्वल टू 5 सेकेंड में। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं पहले आप लोग को। नंबर ए में आप देखो एस कितना गिवन है, एस का वैल्यू गिवन है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। तो 0 से 5 सेकेंड के बीच डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कैलकुलेट कर लेते हैं, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू इसका वैल्यू दिया होगा 5 सेकेंड, मीन्स 5 सेकेंड का स्क्वायर, क्लियर है यहां तक, ये मेरा हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 5 5 25 सेकेंड स्क्वायर, और सेकेंड स्क्वायर कैंसिल, ये 62.5 मीटर आएगा। अब हमको कह रहा था निकालने के लिए एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड हम पढ़े हैं टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना आया है 62.5 और कितने देर में 5 सेकेंड में, तो 5 सेकेंड इसको कटा देते हैं 12.5 मीटर पर सेकेंड होगा, क्लियर है यहां तक। नंबर बी में कह रहे हैं आपको निकालने के लिए इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का भी फॉर्मूला आप पढ़े हो, क्या होता है ds बाय dt, इंस्टेंटेनियस स्पीड का क्या होगा ds बाय dt। तो अगर हम इसका ds बाय dt निकाले, ds बाय dt, तो ये मेरा 2.5 कांस्टेंट है dt स्क्वायर बाय dt, ये मेरा हो जाएगा 2.5 dt स्क्वायर बाय t का जो डिफरेंशिएशन होगा ये हो जाएगा मेरा 2t, मींस इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, और t का वैल्यू कितना देर में कहा था निकालने के लिए 5 सेकेंड में, कितना हो जाया था मेरा 25 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है, सारा इंफॉर्मेशन पता रहेगा तो टोटल क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। आप जो डीपीपी देंगे उसमें बनाएंगे, फिर से पूछेंगे, हम कुछ क्वेश्चन का एग्जाम्पल बताते जा रहे हैं। हम गए थे मार्केट, नीट का क्वेश्चन नहीं मिला, कल हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा और उसी से करवाऊंगा, ठीक है। वैसे डीपीपी जो भेज रहे हैं टोटल का टोटल नीट का ही क्वेश्चन है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम दें आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कोई भी दो पॉइंट है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और टोटल लेंथ जो है यहां से यहां तक एल है, कोई भी पार्टिकल l by 2 डिस्टेंस जो है v1 वेलोसिटी से जा रहा है और बाकी l by 2 जा रहा है मेरा v2 से, तो कहता है एवरेज स्पीड बताइए क्या होगा, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी दोनों कैलकुलेट करना है। तो आप पढ़े हो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो हमने लेट कर लिया, यहां से यहां तक जाने में टाइम t1 लगा होगा और इसको यहां से यहां जाने में टाइम t2 लगा होगा, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना है a से b l, और टोटल टाइम कितना है t1 प्लस t2, क्लियर है। आप जानते हो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा यहां से कहां तक, यहां से लेके अगर ये पॉइंट को अगर हम पी कैलकुलेट कर ले मिड पॉइंट को, तो उसके लिए एल बाई टू है और टाइम कितना लग रहा है t1, तो t1 ये मेरा वेलोसिटी v1 है, सो t1 इक्वल टू एल बाई टू v1 होगा, क्लियर है। एल ये मेरा कितना हो जाएगा एल बाई टू v1, ये मेरा हो जाएगा एल बाई टू v2, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं ये एल
एल कॉमन ले लेंगे, यहां पे जगह टू बी वन बी टू, यहां पे हो जाएगा मेरा इसका बी वन प्लस बी टू, ये एक कैंसिल, इसको सॉल्व करेंगे तो टू बी वन बी टू बाय बी वन प्लस बी टू आएगा। क्लियर है? मीन्स यहाँ पे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बोथ आर सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है। क्लियर है यहां तक? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये मेरा दो पॉइंट है, ये ए है और ये बी पॉइंट है। कोई भी पार्टिकल ए, यहां ये जो है मेरा, कोई गारंटी नहीं कि मीड वाला पॉइंट है। टोटल का टाइम जो है मेरा 2t टाइम लिया है, टोटल टाइम का आधा टाइम जो चला है मेरा v1 से चला है और नेक्स्ट हाफ टाइम चला है मेरा v2 से। तो कहता है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, मींस टोटल टाइम t है, 2t का हाफ मींस t टाइम चला है कितना से, v1 से, और बाकी t टाइम कितना से चला है, v2 से। तो कहता है एवरेज स्पीड बताइए और एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड अगर हम निकालेंगे तो एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमने लेट कर लिया यहां से यहां तक, ये एल वन है और ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, एल टू है। क्लियर है? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एल वन प्लस एल टू, और टोटल टाइम कितना है मेरा ए से भी, टू टी है, और लेंथ इक्वल हो जाएगा वेलोसिटी इंटू टाइम। एल वन को हम लिख सकते वी वन इंटू टी प्लस L2 को V2 into T by 2T, ये दोनों कैंसिल, TT कॉमन लेके काटा देंगे, V1 plus V2 by 2। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, ये एक ओल्ड पर्सन है जो सर्किल पे मॉर्निंग वॉकिंग कर रहा है और उस सर्किल का रेडियस दिया हुआ है मेरा 40 मीटर का, और ये ओल्ड पर्सन A से B पे आ जाता है, ए से बी पे आता है टी इक्वल टू 10 सेकेंड में। तो कहता है एवरेज स्पीड क्या होगा, तो एवरेज स्पीड निकालेंगे टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना होगा, पाई आर, और कितना टाइम में आता है 10 सेकेंड में, पाई आर का वैल्यू कितना दिया हुआ 40 और टी का वैल्यू 10, मीन्स 4 पाई मीटर पर सेकेंड। और यहां पे एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट दिस प्लस दिस मीन्स 2r बाय 10 मीन्स r बाय 5, r का वैल्यू 40 है, बाय 5 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है यहां तक? देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्पीड और वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी पे बेस्ड इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई भी पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल ए पॉइंट से पी पॉइंट, ये 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये ट्रेवल करता है v1 इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर से, और फिर पी से बी पॉइंट दिस इज आल्सो इक्वल टू 1 किलोमीटर, और यहाँ का जो वेलोसिटी दिया हुआ है 8 किलोमीटर पर आवर है। तो कहता है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बताइए। तो यहां पे अगर हम निकालें एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, और यहां से यहां तक जाने का टाइम हमने लेट कर लिया टी वन, और यहां से यहां जाने का टाइम टी टू, तो टी वन प्लस टी टू ये कितना हो जाएगा 2, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना है 1, ये कितना चल रहा है 6 से, ये भी 1, ये कितना चल रहा है 8 से, इसको सॉल्व कर दो यही आंसर होगा। कितना हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा 24, 6 को 4 बार पढ़ेंगे, 8 को 3 बार, तो 2 इंटू 24 बाय 7, तो मीन्स 48 बाय 7 किलोमीटर पर आवर, और एवरेज स्पीड भी यही होगा और एवरेज वेलोसिटी भी यही होगा, बोथ आर सेम। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पीड एंड वेलोसिटी।
स्पीड एंड वेलोसिटी पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पे कुछ एक दो क्वेश्चन हम एससी वर्मा का है बता रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखते हैं, और जो आप लोग को हम डीपीपी देंगे वही बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का रहा है एससीबी का, एससीबी एक्सरसाइज का है मोशन इन प्लेन, मोशन इन वन डायमेंशन का। कहता है मैन हैज वॉक 50 मीटर ड्यू नॉर्थ एंड 40 मीटर ड्यू ईस्ट। आप इसको इस तरह से बना लो, ये मेरा ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। एक आदमी मूव किया 50 मीटर नॉर्थ, तो यहां से इधर कितना मीटर गया है, 50 मीटर नॉर्थ गया है 50 मीटर। तब कहता 40 मीटर ईस्ट, तो यहां से कितना गया इधर, 40 मीटर ईस्ट गया है, क्लियर है। एंड 20 मीटर साउथ, ये 20 मीटर साउथ किधर होगा, नीचे है, दिस इज 20 मीटर साउथ गया है। तो कहता है फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो क्लियर है। आप छोटा सा प्रॉब्लम है, डिस्टेंस कितना हो जाता है 50 4 90 9 2 11 110 मीटर हो जाता है, और डिस्प्लेसमेंट ये हो जाता, क्लियर है, ये डिस्प्लेसमेंट होता। डिस्प्लेसमेंट कितना होता, तो आप वो बोले हैं वेक्टर में, अगर आप सारे वीडियो को देखें तो और अच्छी बात है। ये एक्स कंपोनेंट इधर लिख लेते हैं, इधर वाई कंपोनेंट, तो ये मेरा वाई एक्सिस में है तो एक्स कंपोनेंट 0, और वाई एक्सिस में है तो वाई एक्सिस में 50 मीटर, ये एक्स एक्सिस में है तो एक्स में 40 मीटर, वाई कंपोनेंट 0, ये वाई एक्सिस पे है तो एक्स में 0, लेकिन वाई के नेगेटिव वाई एक्सिस में है तो ये -20 हो जाएगा। सो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 40 मीटर और वाई का वैल्यू हो जाएगा मेरा 30 मीटर, मीन्स यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा 40 मीटर होगा, और ये कितना होगा मेरा 30 मीटर होगा, प्लस में ये हो जाएगा मेरा एंगल थीटा, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ओ टू बी। अगर ओ से बी का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं तो 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर 30 मीटर है, 30 का स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे तो ये मेरा आता कितना मीटर, 50 मीटर आता, क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ऑरिजिन गोज अलोंग एक्स एक्सिस। एक पार्टिकल ऑरिजिन से स्टार्ट किया है, ये ऑरिजिन से, और एक्स एक्सिस में गया, और एक्स कोऑर्डिनेट 20 0 है, ठीक है, मीनिंग एक्स में 20 और वाई में 0 चला है। देन रिटर्न्स ऑन सेम पाथ, इसी पाथ पे रिटर्न हो जाता है, और रिटर्न होकर के -20 और 0 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। देन फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो कोई भी पार्टिकल यहां से यहां गया 20, फिर 20 आया 20 20, 40, फिर अदर है 60, तो 60 मीटर मेरा क्या हो जाता डिस्टेंस, और यहां से गया फिर यहां आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0, फिर इधर आया तो डिस्प्लेसमेंट -20 हो जाता, ठीक है, क्लियर है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है, कर है ये है पटना और ये है रांची, ये है पटना और ये है रांची, और पटना और रांची का एयर रेंज जो दिया हुआ है, एयर रेंज 260 किलोमीटर दिया हुआ है, और बाय रोड जो जा रहा है, और रोड का डिस्टेंस दिया हुआ है 320 किलोमीटर, ठीक है, और एक डीलक्स बस को टाइम लगता है जाने में 8 आवर, और एरोप्लेन को डीलक्स को TD से डिनोट कर दिया, और एरोप्लेन को जो टाइम लगता है जाने में 1/2 आवर, मीन्स 30 मिनट दिया हुआ है। तो नंबर ए में कहता है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन, एवरेज स्पीड निकालना है किसका, प्लेन का। नंबर बी में कहता है निकालने के लिए, नंबर बी में फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन, नंबर ए फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ बस, एवरेज स्पीड किसका निकालना है, एवरेज स्पीड बस का निकालना है। नंबर सी में कहता है एवरेज वेलोसिटी निकालिए प्लेन का, और नंबर डी में कहता है
एवरेज वेलोसिटी निकालिए बस का, क्लियर है। अब देखिए अगर हम एवरेज स्पीड प्लेन का निकालते हैं, नंबर ए एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन देखते हैं, तो प्लेन का एवरेज स्पीड हो जाएगा मेरा टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस बाय रूट 320 और इसको जाने में 8 आवर लगता है, 40 किलोमीटर पर आवर हो जाता है, क्लियर है। अगर नंबर बी में कहता हमको निकालने के लिए एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन, नॉट प्लेन के लिए मेरा कितना दिया 260, ठीक है 260 दिया हुआ है और प्लेन का टाइम 1/2 आवर है, ठीक है, ये मेरा हो जाता 260 × 2 किलोमीटर पर आवर इतना होगा, क्लियर है। तब नंबर बी में कह रहा है एवरेज स्पीड निकालिए बस का, तो बस बाय रूट चलेगी, बाय रूट डिस्टेंस जो है मेरा 320 और इसको जाने में लगता है 8 × 4 = 32, 40 किलोमीटर पर आवर होता। तब कहता है हमको निकालने के लिए नंबर सी में एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्लेन, तो प्लेन का एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम होगा 1/2 आवर, मीन्स 0, 6, 2 = 12, 2 = 4, 520 किलोमीटर पर आवर। और कहता है एवरेज वेलोसिटी निकालिए किसका, बस का, एवरेज वेलोसिटी बस का निकालते तो बस के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मेरा 260 होगा और टाइम लग रहा है 8, मीन्स इतना किलोमीटर पर आवर होता है, क्लियर है यहाँ तक। चले आगे, चलते हैं आगे। ये हमने बताया स्पीड एंड वेलोसिटी का इंफॉर्मेशन और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, डीपीपी देंगे, उसको बनाएंगे, फिर कल क्वेश्चन एराइज करेंगे आप लोग, परसों उसको हम सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में भेजेंगे, नहीं बनेगा तो। अब हम देखते हैं कुछ इंफॉर्मेशन मोशन विथ कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन का, इंफॉर्मेशन। तो मोशन विथ, आप जानते हो एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला होता है v - u/t पढ़े हैं, या इसी एक्सीलरेशन को कहते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी dv/dt भी कहते हैं, या d/dt, v को ds/dt भी लिखते हैं। ये कितना हो जाएगा मेरा d²s/dt², ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, या एक्सीलरेशन को हम लिख सकते हैं dv/dt, आप यहाँ पे ds से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, ds से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो dv/ds/dt को वेलोसिटी बोलेंगे, ये मेरा जाएगा v dv/ds, मीन्स एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला चलेगा मेरा, ये जो एक्सेलरेशन का टोटल फॉर्मूला आया है a = क्या आया है v - u/t, या dv/dt, या दूसरा क्या आया है d²s/dt², तीसरा क्या आया है v dv/ds, क्लियर है। ये सारे फॉर्मूला मेरा एक्सेलरेशन का चलेगा, जिसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, क्लियर है यहां तक। चले आगे, चलते हैं आगे। आप लोग को मैं फॉर्मूला प्रूफ करके नहीं बताऊंगा, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा, सिर्फ बार बार बोल रहा हूं, और ये वही स्टूडेंट देखें जो 11th पढ़ चुके हैं। आप देखिए इसमें जो इक्वेशन आता है, कुछ इक्वेशन जो होता है स्ट्रेट लाइन का, फर्स्ट इक्वेशन है v = u + at, इसको प्रूफ नहीं कर रहा हूं। सेकेंड इक्वेशन है s = s0 + ut + ½at² इफ s≠0 तो इक्वेशन मेरा हो जाता ut + ½at² होता है, क्लियर है। इसमें जो जो इंफॉर्मेशन देगा पुट करेंगे, नंबर सी में जो मेरा इंफॉर्मेशन होता है फॉर्मूला v²=u²+2as, क्लियर है। और इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं v²-u²=2a(b-u/t)(s), तो v + u into
वी माइनस यू इक्वल टू टू वी माइनस यू इंटू एस बाई टी। आप फॉर्मूला को तोड़ फोड़ करने के लिए जानते हो वी प्लस यू का इक्वेशन चलेगा टू एस बाई टी। फॉर्मूला को इधर उधर करने जानते हैं तो सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। नंबर डी का फॉर्मूला चलेगा एस एन एथ इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल्स इन एन एथ सेकेंड। क्लियर है? इतना फॉर्मूला चलेगा स्ट्रेट लाइन का। अगर हम एक क्वेश्चन आपको दें इसी पे बेस्ड, अगर हम क्वेश्चन पूछें, एक क्वेश्चन है कोई भी पार्टिकल इस पॉइंट से चलना शुरू किया यू वेलोसिटी से फर्स्ट फोर सेकेंड में, पहले दो सेकेंड में, फर्स्ट टू सेकेंड में चला है 200 सेंटीमीटर, ठीक है, फिर नेक्स्ट फोर सेकेंड में, नेक्स्ट फोर सेकेंड का जो है ये चला है 220 सेंटीमीटर। क्लियर है? फर्स्ट टू सेकेंड में कितना चला है 200 सेंटीमीटर एंड नेक्स्ट फोर सेकेंड में कितना चला है 220 सेंटीमीटर। मीन्स यहां का स्पीड कम है। क्लियर है? तो कहता है वेलोसिटी क्या होगा एट द एंड ऑफ 7 सेकेंड पे, मीन्स यहां से 1 सेकेंड बाद इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, अब यहां के डिस्टेंस को हमने एस वन लेट कर लिया और इस डिस्टेंस को हमने एस टू लेट कर लिया। यहां से यहां तक ये डिस्टेंस मुझे मालूम नहीं है तो, और यू भी पता नहीं है तो इक्वेशन आपको बोले थे इंफॉर्मेशन मालूम होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अब देखें जैसे हम इक्वेशन लिखे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस मेरा कितना दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर, इनिशियल वेलोसिटी यू, टी का वैल्यू कितना है 2 प्लस हाफ, ए नहीं मालूम, टी 2 × 4 मीन्स 200 = 2u प्लस 2a therefore 100 = u + a, ये इक्वेशन 1 हो गया। क्लियर है? अब आप देखो यहां का वेलोसिटी नहीं मालूम, ये वेलोसिटी मालूम नहीं है, इसीलिए हम टोटल इक्वेशन यहां से यहां तक लगाएंगे s, तो यहां से यहां तक के लिए s कितना हो जाएगा 420 इक्वल टू यू टी, यू और टोटल टाइम यहां से यहां तक 6 सेकंड है प्लस हाफ ए, 6 × 36 मीन्स 420 इक्वल टू 6u प्लस 18a, ठीक है, 6 से इसको कटा दें 642 और u प्लस 6 × 18 3a, ये इक्वेशन 2 आ गया। और इक्वेशन 1 और 2 से आप u और a का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, और 1 और 2 को अगर हम यूज करें, ये मेरा दिया हुआ 100 इक्वल टू यू प्लस ए, ये कितना दिया हुआ है 70 इक्वल टू यू प्लस 3a। अब इसको हम साइन चेंज कर देते हैं माइनस, यू यू कैंसिल, ये मेरा कितना हो जाएगा 100 है और ये मेरा 70 है, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 30 इक्वल टू माइनस 2a, ए इक्वल टू माइनस 30/2 मीन्स ए का जो वैल्यू आ गया माइनस 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीन्स पार्टिकल में नेगेटिव एक्सेलरेशन है, दिस इज रिटार्डेशन। और इस ए का वैल्यू अगर आप इस इक्वेशन में पुट करते हो तो यू का वैल्यू आ जाएगा 115 मीटर पर सेकेंड, मीन्स यहाँ पर जो इस पार्टिकल का वेलोसिटी था कैलकुलेट हो गया 115 मीटर पर सेकेंड है, और एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है कॉन्स्टेंट है, तो 7 सेकेंड का वेलोसिटी हो जाएगा वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो वी इक्वल टू यू मेरा कितना है 115 प्लस ए का वैल्यू माइनस 15, टी मेरा 7 सेकेंड हो जाएगा टोटल 2, 4, 6, 1, 7, ये मेरा हो जाएगा 115 माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ये 105, सो द वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। उतना देर के बाद इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है? चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। आपने 4 इक्वेशन देखा स्ट्रेट लाइन का, जो स्ट्रेट लाइन पे पार्टिकल मूव कर रहा है, और आप खुद से बनाओगे प्रॉब्लम, हमसे पूछोगे, हम हिंट्स करेंगे सिर्फ, पढ़ना आपका काम है। क्लियर है?
तैयारी आपको करना है, एग्जाम हमको नहीं देना है, आपको देना है, इसीलिए आप अधिक से अधिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। अगर हम क्वेश्चन दें कोई भी पार्टिकल फर्स्ट 10 सेकेंड में वाई वन डिस्टेंस कवर किया u इक्वल टू जीरो से, और नेक्स्ट टेन सेकेंड में वाई टू डिस्टेंस कवर किया, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन y1 वन एंड y2? तो पहला चॉइस है y2 इक्वल टू 4y1, दूसरा चॉइस है y2 इक्वल टू y1 बाई टू, तीसरा चॉइस है y2 इक्वल टू 3y1, चौथा चॉइस है y2 इक्वल टू 7y1। ये दोनों में क्या रिलेशन होगा? फर्स्ट 10 सेकेंड में y1 चला और नेक्स्ट 10 सेकेंड में y2। क्लियर है? इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, रेस्ट से चलना शुरू किया है, इक्वेशन लिखेंगे हम, पढ़े s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s के बदले में यहाँ कितना है y1 इक्वल टू u जीरो है प्लस हाफ ए टी, 10 10 100 मीन्स 50a। क्लियर है? 50a हो जाएगा, y1 का वैल्यू 50a, सो a इक्वल टू y1 बाय कितना हो जाएगा 50, और टोटल डिस्टेंस कितना है y1 प्लस y2 इक्वल टू ut, तो u क्या है 0, इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, तो टोटल टाइम यहां से यहां तक कितना हो गया 20 20 20 जा 400, सो y1 प्लस y2 इक्वल टू 1 बाई 2, a का वैल्यू कितना निकाले हैं y1 बाई 50 इंटू 400, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 4 बार में कट जाएगा, ठीक है? तो y1 प्लस y2 इक्वल टू 4y1, सो y2 इक्वल टू 4y1 माइनस y1, देयरफॉर y2 इक्वल टू 3y1, सो चॉइस नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, चले आगे, चलते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हम बता रहे हैं आप लोग को, मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। अगर कोई भी बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे मूव करता है, ये एंगल थीटा है एम मास का बॉडी, ये आर है इंक्लाइन प्लेन पे, तो आप जानते हो एक एमजी फोर्स लगता है वर्टिकली डाउनवर्ड जो प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन, ये एंगल थीटा, इसका इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा एमजी कॉस थीटा, इधर क्या आ जाएगा एमजी साइन थीटा। तो इंक्लाइन प्लेन पर का जो फोर्स लग रहा है मेरा, जो डाउनवर्ड खींच रहा है ब्लॉक को, उस फोर्स का नाम क्या है एमजी साइन थीटा है। और फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ एफ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू एमजी साइन थीटा, और ये जो हो गया मेरा ए इक्वल टू जी साइन थीटा हो गया, मीन्स इंक्लाइन प्लेन पर का एक्सेलरेशन क्या होगा जी साइन थीटा, और ये एक्सेलरेशन कब होगा डाउन द प्लेन, डाउन द प्लेन, प्लेन पर जब नीचे आएगा तो, और ए इक्वल टू चलेगा माइनस जी साइन थीटा, ये कब होगा अप द प्लेन, और डाउन द प्लेन और अप द प्लेन का इक्वेशन होगा, जैसे हमने लिखा बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो हम यहां पे लिखेंगे, या ये तो एक्सेलरेशन बी इक्वल टू लिखेंगे यू प्लस माइनस एक बदले जी साइन थीटा इंटू टी। अब आप देखो अगर अप द प्लेन होगा तो नेगेटिव होगा, डाउन द प्लेन होगा तो क्या होगा पॉजिटिव होगा। क्लियर है? अगर डाउन द प्लेन होगा तो यहां पे क्या लेंगे पॉजिटिव, अप प्लेन जाएगा तो क्या लेंगे नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस माइनस हाफ एक बदले में जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, यहां पर डाउन द प्लेन आएगा तो पॉजिटिव लेंगे, अप द प्लेन आएगा तो नेगेटिव जाएंगे, और बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस टू जी साइन थीटा इंटू एस, यहां पर भी वही करेंगे डाउन द प्लेन पॉजिटिव अप द प्लेन नेगेटिव, एस एन एथ इक्वल टू यू प्लस माइनस जी साइन थीटा बाय टू इंटू टू एन माइनस वन, डाउन द प्लेन पॉजिटिव और अप द प्लेन क्या होगा नेगेटिव होगा। क्लियर है यहां तक? अगर इस तरह का है तो, अगर इस पे बेस्ड अगर हम एक प्रॉब्लम देखें, इस पे बेस्ड अगर हम प्रॉब्लम देखें, यहां पे एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये एक इंक्लाइन प्लेन है
और इंक्लाइन प्लेन पे एक बॉडी है यहाँ पे एम मास का जो इनिशियली रेस्ट में रखा हुआ है, और इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल है ये 30 डिग्री एंगल है, और ये यहाँ से यहाँ तक इंक्लाइन प्लेन का डिस्टेंस 100 मीटर का है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है ये बॉडी को यहाँ आने में कितना, ए नंबर में कह रहा है टाइम कितना लगेगा बताइए। तो आप इक्वेशन लिखते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस मेरा कितना दिया हुआ है 100, इनिशियल वैल्यू छुट्टी क्या है 0, प्लस हाफ एक बदले में जी साइन 30 डिग्री इंटू टी स्क्वायर, सो 100 इक्वल टू हाफ जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं साइन 30 डिग्री 1/2 टी स्क्वायर, तो आप टी कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे क्या होगा। अगर यहाँ पे पूछता है इसका वेलोसिटी क्या होगा बताइए, इक्वेशन लिखते v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v इक्वल टू यू 0 है ए जी साइन थीटा इंटू टी, आप यहाँ पे टी कैलकुलेट किए हो ये टी यहाँ पे पुट कर देंगे, मेरा कैलकुलेट हो जाएगा 10 इंटू साइन 30 डिग्री इंटू टी का वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे करके यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा मेरा 10 इंटू 1/2 जो टी निकलेगा यहाँ पे रख देंगे मीन्स पाइप टी का वैल्यू कैलकुलेट करके रख देंगे 5 मीटर पर सेकेंड आएगा, इस तरह का आएगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन बता रहे हैं हम, थोड़ा सा तेज चल रहे हैं, आप लोग को भी बनाना है अपने से, सारा इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं फिर इस पे बेस्ट क्वेश्चन बनाएंगे आप लोग खुद से आज, कल भी टाइम देंगे बनाने के लिए, फिर परसों बताऊंगा नेक्स्ट डे आफ्टर टुमारो। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं मोशन अंडर अंडर ग्रेविटी का इक्वेशन। मोशन अंडर ग्रेविटी में दो तरह का केस चलेगा, एक फ्री फॉल का केस होगा, अगर कोई भी बॉडी को अगर हम फ्री फॉल करवाते हैं तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा 0, ये नीचे आएगा, इस वक्त एक्सेलरेशन जो होगा प्लस जी होगा मीन्स पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, जब किसी भी बॉडी को अप हम फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट पे जाके इसका वेलोसिटी 0 हो जाता है, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है माइनस जी होगा क्योंकि यहाँ का एक्सेलरेशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन है और यहाँ का एक्सेलरेशन ओपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन है, तो इसीलिए यहाँ का एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और ये एक्सेलरेशन क्या होगा नेगेटिव होगा। अगर ये हाइट h है और ये भी हाइट h है, यहाँ पे जाने में टाइम t लगा, इसको भी टाइम t लगा ग्राउंड पे आने में, तो इधर वाले का जो इक्वेशन चलेगा इसका फर्स्ट इक्वेशन चलेगा v इक्वल टू यू प्लस एक बदले में जी टी, और यहाँ पे चलेगा v इक्वल टू यू माइनस जी टी, क्लियर है फर्स्ट नंबर का इक्वेशन, और सेकेंड चलेगा एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और यहाँ पे चलेगा एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ पे मेरा थर्ड इक्वेशन बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच चलेगा, और यहाँ पे चलेगा बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, क्लियर है यहाँ पे चलेगा मेरा एच एन एथ इक्वल टू यू प्लस जी बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, यहाँ पे चलेगा एच एन एथ इक्वल टू यू माइनस जी बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, क्लियर है इतना इक्वेशन चलेगा। अगर एक और ट्रिक दिखा रहे हैं साइन कॉन्वेंशन का रूल, अगर कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, अगर यहाँ पे दे दिया ये एक टावर है और इस टावर का हाइट h है, ये टावर का जो हाइट है h है, और इस पॉइंट पर से कोई भी ऑब्जेक्ट को हमने प्रोजेक्ट कर दिया और गिर करके यहाँ आ गया, तो इसका टाइम क्या होगा निकालने के लिए, इसको हमने u वेलोसिटी से फेंका। अब आप देखो यहाँ पे u वेलोसिटी से जा रहा है, ये मोशन ग्रेविटी के अगेंस्ट है और यहाँ इसके रिफरेंस में ये हाइट किस में है नेगेटिव में है, तो हम इक्वेशन पढ़े h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ जो हाइट h होगा इस पॉइंट से नीचे में इस हाइट को क्या रखेंगे माइनस एच इक्वल टू यू टी, और ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और यहाँ से t का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे वही आपका आंसर होगा। अगर हम यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दें होमवर्क में आप लोग को, एक यहाँ पे बैलून है और ये बैलून का जो वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड है और ये बैलून
30.4 मीटर हाइट पर है, ठीक है, और ये बैलून जा रहा है 12 मीटर पर सेकंड से, तो ये बैलून को ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम आज डीपीपी भेज रहे हैं, आप लोग बनाएंगे उसमें मोशन इन वन डायमेंशन और टू डायमेंशन दोनों मिक्स रहेगा डीपीपी में, और यूनिट और मेजरमेंट का भी डीपीपी है, यूनिट मेजरमेंट को आप बनाएंगे, अगर नहीं बनेगा तो बताएंगे, वैसे हम यूनिट मेजरमेंट बताए नहीं है, वैसे वीडियो डाला हुआ है, आप पढ़ लेंगे, दो वीडियो है यूनिट मेजरमेंट का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डायमेंशन एंड लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन को आप देख लेंगे, जो वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप नीट का सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, तो ये होगा कि टोटल वीडियो देखें, लेकिन आपको हम डीपीपी भेज रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, उस क्वेश्चन को बनाएंगे, नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे, और इसमें बेस्ड बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं और बताएंगे, नेक्स्ट जो वीडियो होगा ग्राफ पे बेस्ड कॉन्सेप्ट होगा, और ग्राफ वाला क्वेश्चन फिर भी हम भेज रहे हैं, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं। तो आज के लिए इतना ही, बाय।